गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन दिया था, अपन सबसे पहले उससे स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो जो क्वेश्चन था वो था, आपको दे रखा था यहाँ पे कि ये प्लेन मिरर है जिनके बीच के एंगल कितने थे, 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपने एक रे आती हुई बनाई थी जिसका इंसिडेंट एंगल था आई, और क्वेश्चन ने बोला था इफ 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन अकर थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई सो दैट लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। बाकी वो जो डिफ्लेक्शन वाला टोटल डेविएशन वाला क्वेश्चन है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों से हो गया होगा, इसलिए मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, है ना। अगर आप लोगों को डिस्कस करवाना है तो कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। तो देखो, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक। अब हमारे दिमाग में आता है कि सर यहाँ पे जैसे इंसिडेंट रहे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो क्या बोलता है कि यहाँ से यूँ चली जाए, यहाँ से यूँ चली जाए, तो ये चली गई, ठीक है। अब मुझे बताओ कि नॉर्मल मैं अगर इधर बनाता हूँ, जैसे कुछ बच्चों का मानना है कि नॉर्मल इधर बनाना चाहिए कि इधर बनाना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो इसमें बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चों, अगर मैं नॉर्मल इधर बना देता हूँ, लेट सपोज ये वाली लाइन जो है ये, अगर मैंने नॉर्मल इधर बनाया तो मुझे एक बार बताओ, ये इंसिडेंट एंगल होगा ना, नॉर्मल से ही तो एंगल माना जाता है, तो ये इंसिडेंट एंगल हुआ तो लाइट किधर चली जाएगी, इधर। तीसरा रिफ्लेक्शन वहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब जब मुझे थर्ड रिफ्लेक्शन कराना होगा तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल है उसको मुझे नीचे बनाने की ज़रूरत है, और जब मैं यहाँ पे नीचे नॉर्मल बनाऊंगा तो नॉर्मल जब नीचे बन रहा होगा, ध्यान से देखना, तो यहाँ क्या जाएगा, मैंने यहाँ पे इस जगह पे नॉर्मल बना दिया ये, ठीक है। तो इस जगह पे अपन ने ये नॉर्मल बनाया, ये इसका एंगल हो चुका है, और ये यहाँ से ऐसे जानी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे क्यों भेज रहे हो आप, तो ये भेजने का जो मेन कारण है बच्चों वो ये है, उसने कहा है कि थर्ड सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट है वो क्या करना चाहिए, रिट्रेस करना चाहिए, किसको, उसके पाथ को। अब मुझे बताओ कि अगर लाइट को हम रिट्रेस करवाना चाहते हैं, लाइट को रिट्रेस करवाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री पे इंसिडेंट होना पड़ेगा। अब चलो अपन देखते हैं क्या ये एंगल आई होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मान लो ये वाला एंगल आर है, तो ये भी आर होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 90 डिग्री हमने माना है, कारण इसके पीछे, अब देखो क्या होगा, लाइट यूं आई, यूं गई और यूं आ गई। अब इस पे 90 डिग्री पे यहाँ पे इस प्लेन मिरर पे 90 डिग्री पे आ रही है, यानी 0 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है ना, कल मैंने बताया था नॉर्मल इंसिडेंस के बारे में। तो नॉर्मली अगर यूं आई है तो ऐसे जाएगी और फिर यूं चली जाएगी और फिर वापस इसी पाथ को फॉलो करते हुए चली जाएगी। अब अपन इसमें पॉसिबल चीज देखते हैं, क्या ये एंगल मेरे को दिख रहा है 90 माइनस आई है, दिख रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम दिस ट्राइंगल ये लिख सकता हूं मैं कि 90 माइनस आई प्लस 2R प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 90 180 कैंसिल, तो आई की वैल्यू कितनी आई, 2R, आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2R। अब मुझे बताओ, मुझे R की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, R की, तो कैसे निकालोगे, देखो क्या ये एंगल बच्चों 90 माइनस R हुआ क्या, ये एंगल अगर अपन बात करें तो कितना हो गया 90 माइनस R, तो इस ट्राइंगल के लिए मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 60 प्लस 90 प्लस 90 माइनस R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल, तो ये इससे कैंसिल, R की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। सभी बच्चों के ये मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से सबके आ गई होगी कि R की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री आ जाएगी। अब अगर मेरे से इंसिडेंट एंगल का आंसर पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे कि I इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 60 डिग्री यानी 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो I की जो वैल्यू आई है वो 120 डिग्री आ गई, ठीक। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपसे क्या कहा था, जल्दबाजी में आंसर को टिक मत कर देना,
क्यों टिक मत कर देना, आई का आंसर मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखोगे तो 90% स्टूडेंट का निकल जाएगा। पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री। ग्रेजिंग इमर्जेंस इंसिडेंस बताया था और या नॉर्मल, तो इसका मतलब ये तो इंसिडेंट एंगल ही 120 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब इस प्लेन मिरर के केस के लिए ऐसा कोई एंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए वहाँ पे तीन सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट है वो क्या करे, रिट्रेस करे। आंसर क्या होगा, निकला है हमारा आंसर बट हमने देखा आई इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और जब 90 डिग्री से यहाँ पे इंसिडेंट एंगल ज्यादा आ चुका है तो हम आंसर क्या लिखेंगे, नो एंगल एग्जिस्ट फॉर सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्लेन मिरर सो दैट द लाइट रिट्रेसेस इट्स पार्ट आफ्टर थ्री सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। समझ में आ गई, आप कोई सा भी एंगल यहां पे ले लो ऐसा कोई एंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या है, ये मैंने आप लोगों को टाइप करवाए थे, अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहूं कि हमें ये क्वेश्चन दे दिया होता ये एंगल है थीटा और ये हमारी लाइट है और यहां से थीटा एंगल पे ही गिर रही है, ये नॉर्मल है और इस पे, अब हमारे से क्वेश्चन वही पूछा हुआ है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द लाइट रिट्रेसेज इट्स पाथ आफ्टर थ्री सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, तीन सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो लाइट रिट्रेस करे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम, सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोगों को खुद को अपनी कॉपी में लिख लेना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द लाइट रिट्रेसेज इट्स पाथ आफ्टर थ्री सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। तो चलो कैसे करेंगे, मैंने बताया था क्या होगा, ये आ गया लाइट ऐसे गई, ये एंगल कितना हो गया थीटा, ये एंगल भी थीटा, अब क्या हो गया ये एंगल मैं आर बोल देता हूं और ये वाला फिर नॉर्मल इंसिडेंस, तो अब मुझे बताओ ये भी एंगल आर होगा, ये भी एंगल आर होगा, अब मैं क्या कहूंगा ये थीटा एंगल है ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो आप क्या लिखोगे, जो जो चीज अपने को पता है वो लिख दो, क्या लिखेंगे कि इस ट्रायंगल के लिए मैं लिखने वाला हूं, क्या इस ट्रायंगल के लिए हम लिखेंगे कि ये 90 डिग्री है तो 90 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 2r इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां से 90 ये कैंसिल तो थीटा की वैल्यू 2r, ये तो एज इट इज वो की वही आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या लिखेंगे भाई, ये देखो ये एंगल है हमारे पास 90 माइनस आर, तो इस ट्राइंगल के लिए क्या लिखोगे कि 90 माइनस आर प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या ये लिखने वाले हो क्या, बिल्कुल। तो यहाँ से देखो मेरे को क्या चीज़ पता लगी, यहाँ से मुझे ये चीज़ पता लगी कि ये और ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा के इक्वल आ गई, r की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, थीटा के इक्वल आ गई। तो अब हम क्या करें सर इस वाले क्वेश्चन के अंदर, अब अपने को क्या करना चाहिए, अब कैसे वैल्यू निकालेंगे, सोच के देखो कि किस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू निकालें, ये तो फंस गए, फंसे नहीं हो आप, क्योंकि एक ट्राइंगल है जो एक और दिख रहा है, अब वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, चलो देखते हैं। क्या मुझे ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या, ये बड़ा वाला, ध्यान से देखो क्या ये वाला ट्राइंगल मुझे बड़ा वाला दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, तो मैं कहूँ ये एंगल थीटा, ये पूरा एंगल 90 प्लस आर, तो अगर मैं कहूँ ये ओ ये ए और ये बी है तो क्या लिखूंगा, फोर ओ ए बी, क्या लिखोगे थीटा प्लस, ये एंगल देखो ये पूरा 90 प्लस आर, तो 90 प्लस आर प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कितना आया
180 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँगा तो देखो ये थीटा थीटा 90 ये सेकेंड से, यानी आर की वैल्यू तो क्या आ गई, जीरो। अजीब क्वेश्चन है ना कि यार आर की वैल्यू जीरो आ गई तो इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी जीरो आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ वाले केस में भी ऐसा ही है जो पहले वाले के अंदर था। आंसर क्या था, पहले वाले के अंदर जो आंसर था ना वो इसके अंदर भी फिट बैठेगा। थर्ड रिफ्लेक्शन में बहुत आपको स्पेसिफिकली चेक करना पड़ेगा। अगर यहीं पे मैं कहता कि आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, अगर दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद की आप चर्चा करोगे तो आप क्या कहोगे, देखो दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे ये आपका नॉर्मल ये इंसिडेंट हुई, एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कैसे जानी चाहिए, ये जानी चाहिए, हिट करनी चाहिए 90 डिग्री पे, तो ये यूँ की यूँ ही चली जाएगी। तो वहाँ तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन में ये एंगल थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा है ना। अब आप यूँ ही चेक कर लो कि हमारा आंसर सही है या नहीं। देखो अब यहाँ देखो ये थीटा ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ये ट्राइंगल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों, ये 90 माइनस थीटा सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद से इसमें कुछ ना कुछ लोचा हो रहा है। कैसे लोचा हो रहा है, 90 माइनस थीटा, 90 और थीटा, इन सब का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के। आप देखोगे कि सब कैंसिल हो जाएगा, तो फिर कैसे वैल्यू थर्ड रिफ्लेक्शन के अंदर आएगी जब सेकेंड के अंदर ही ये चीज़ पॉसिबल नहीं आ रही है। तो ये चीज़ थोड़ा आपको देखनी पड़ेगी, वहाँ पे ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी ना, तो थोड़ा स्पेसिफिकली ज्योमेट्री लगाना। अब आप लोग इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करना कि ये वाला क्वेश्चन करके देखना, इसमें आंसर जरूर आएगा। इस वाले में आंसर कैसे कि ये एंगल हमें दे रखा है थीटा, आपको बोल दिया ये लाइट रे यहाँ से आ रही है और यहाँ से एंगल बना रही थीटा, कहाँ से, यहाँ से एंगल बना रही है। अब इसमें आंसर जरूर निकलेगा और आप देखोगे कि आप लोग परफेक्ट आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। तो चलो अपन नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, होमवर्क का आप ये लोग क्वेश्चन करना, ठीक है। अपने पास इतना समय है नहीं कि मैं आप लोग को लिखने का समय दे सकूं, तो अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। ये आप लोग होमवर्क का क्वेश्चन देख सकते हो। अब जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया, ये वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक मिरर है, ठीक है, एक पॉइंट है या ऑब्जेक्ट जिसे बोल दो आप, ऑब्जेक्ट, उसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2,0। क्या दे रखे हैं, 2,0, ये आपको 0,0 दे रखा है और ये 30 डिग्री दे रखा है भैया। क्या दे रखा है, 30 डिग्री। क्या बोला हुआ है कि एक प्लेन मिरर है जो ऑब्जेक्ट से 30 डिग्री पे रखा हुआ है। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट, ये टाइप आप लोग अलग लिखते हुए चलना, अलग अलग टाइप देख रहे हैं यहाँ पर, ऑफ इमेज। मान लो मुझसे पूछा जाए कि इमेज के कोऑर्डिनेट बताओ। हमेशा ध्यान में रखें इस चीज़ को कि जब भी इमेज बनती है, जैसे प्लेन मिरर की बात करें, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है बच्चों, अगर हमारे से पूछा जाए तो प्लेन मिरर जो होता है ना हमेशा अपोजिट इमेज बनाता है। अपोजिट इमेज का मतलब, जैसे आप अगर कहोगे कि रियल ऑब्जेक्ट है तो उसकी कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल। वर्चुअल कैसे, मिरर के पीछे बन रही होती है। भाई देखो आप खुद सोचो, मान लो जैसे आपका सेल्फी कैमरा है ना, तो सेल्फी कैमरा के अंदर अपन क्या देखते हैं, वो जो भी आपकी इमेज बन रही हो तो कैमरा के उधर की तरफ बन रही होती है, यानी वो कौन सा हो चुका है आपके, वर्चुअल इमेज। आप खुद रियल थे, मिरर के सामने खड़े हुए थे। मैंने आपको बताया था कि रियल ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड द लाइट इज एक्चुअली इंसिडेंट ऑन द मिरर बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से एक्चुअल में लाइट इंसिडेंट होके मिरर पे हिट करनी चाहिए। तो मान लो मैं हूँ ऑब्जेक्ट और मेरे से लाइट अगर हिट कर रही है,
तो वो कैसी इमेज बनाएगा, उसकी इमेज जो बनेगी वो मिरर के पीछे, यानी वो कैसी हो चुकी है, वर्चुअल। ठीक, अब मान लो जैसे यहां मिरर लगा, मिरर के इधर वाला बन चुका है वर्चुअल, मतलब एक वर्चुअल इमेज बन गई। अब अगर मैंने पीछे एक मान लो एक और प्लेन मिरर लगा दिया, तो वो वर्चुअल इमेज उसके लिए क्या काम करेगी, वो तो उसके सामने ही हुई ना, इसका मतलब वो क्या है, वो उसके लिए क्या हो गया। जैसे अगर आप कह रहे हो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज वो किधर बना देगा, रियल, मतलब ऐसे जस्ट स्वैप करता रहता है वो। तो आपको ये चीज नोट पॉइंट से भी ध्यान में रखना कि प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, प्लेन मिरर अगर हमारे से पूछा जाए तो रियल ऑब्जेक्ट की क्या बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। और अगर अपने से पूछा जाए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज, ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आप लोगों के चीजें क्लियर होगी। अब देखो अपन चर्चा करते हैं किसके बारे में, चर्चा कर रहे हैं मिरर के बारे में। देखो एक चीज ध्यान में रखना बच्चों, हमेशा क्या चीज ध्यान में रखनी है, ढंग से समझना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कोऑर्डिनेट वाले का। प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, मिरर से जितनी डिस्टेंस है, तो मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, मतलब दोनों की डिस्टेंस बराबर होती है, मतलब जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पे क्या होती है, इमेज होती है। तो देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पे इस केस के अंदर आपसे कहूँ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो मेरे ख्याल से ये कहना ज़्यादा बुरा नहीं होगा कि अगर ये यहाँ से 2 मीटर पे है, जो भी यूनिट है, तो यहाँ से भी ये कितने पे होगा, इमेज 2 मीटर पे होगा कि नहीं होगा, आई जो बनेगी वो 2 मीटर पे बनेगी। अच्छा जितना एंगल ऑब्जेक्ट बना रहा होगा कितना, 30, तो क्या यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा, 30। अब मैं क्या कंपोनेंट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, उसके कोऑर्डिनेट बताने के लिए कि हमने देखा कि ये जो इमेज है वो यहाँ से, ये आई जो बन रही है वो यहाँ से कितना एंगल, ये तो डिस्टेंस 2 है 2 मीटर पे, और टोटल एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री। क्या मुझे यहाँ करना आता है, नहीं आता, मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये वाला तो कितना हो जाएगा 2 cos 60, और ये कितना आ जाएगा 2 sin 60। तो आंसर मेरा क्या हो चुका है, x कोऑर्डिनेट तो आएगा 2 × 1/2, और ये आएगा 2 × √3/2, यानी आंसर क्या आया 1, √3। ये हमारा किसका आंसर हो चुका है, इमेज के कोऑर्डिनेट का, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर, अब जैसे मान लो मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, मान लो मुझे ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया कि ऑब्जेक्ट तो रखा कहीं और है, ऑब्जेक्ट यहाँ मान लो कि इस जगह पे रखा हुआ है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 4 मीटर ले लेते हैं अपन, ठीक है, और प्लेन मिरर यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और कितने एंगल पे रखा हुआ है, कह देते हैं भैया 37 डिग्री पे रखा हुआ है यहाँ से, फिर क्या करेंगे। कुछ बच्चों का ये मानना होता है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे मेरे से पूछा जाए कि ये ग्लास है ना, ये ग्लास में क्या मेरी इमेज बनेगी क्या, जैसे ये इतना सा ग्लास है, मतलब ये मिरर जो है वो छोटा सा मिरर है, क्या मेरी इमेज बनाएगा क्या, तो कुछ बच्चे सोचेंगे और कहेंगे कि नहीं, मेरी कंप्लीट इमेज नहीं बनाएगा, ज़्यादातर बच्चों का यही आंसर होता है। हमेशा ये ध्यान में रखना बच्चों, मिरर की साइज चाहे पार्टिकल फॉर्म में हो या फुल साइज में हो, इमेज तो हमेशा पूरी ही बनती है, इमेज का दिखना साइज पे डिपेंड करता है। दो चीजें हैं, जैसे मैं आपसे कहूं, अभी आप लोग देखो मुझे कैमरा से देख रहे हो, कैमरा का लेंस क्या है, बहुत छोटा सा है, छोटा होने के बावजूद भी वो मेरी इमेज बना रहा है ना, क्यों। अब एक चीज बताओ, इमेज तो मेरी पूरी बन रही है, मैं जैसे पीछे खिसकूंगा तो आप लोग मेरी जो साइज है बढ़ती हुई जाएगी और आप लोग फुल साइज इमेज देखते जाओगे, जैसे ही मैं पास आता जाऊंगा वैसे ही इमेज की जो साइज है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इसका मतलब आप मेरा कम पार्ट देख पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, मिरर के केस में भी यही होता है, कोई भी अगर तिनके की साइज का भी अगर मिरर होगा और हमारे से पूछा जाए कि और एक कोई डायनासोर है क्या उसकी इमेज भी बनेगी क्या, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि मिरर
में इमेज का बनना मिरर की साइज पे डिपेंड नहीं करता, इमेज का दिखना मिरर की साइज पे डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा जो छोटे वाले ग्लास होते हैं, अब अपन वो छोटे वाले ग्लास को दूर ले जाते हैं तो हमारा कंप्लीट चेहरा दिख जाता है, पास लाते हैं तो नहीं दिख पाता। तो वो आप क्या कर रहे हो, उसकी साइज को एडजस्ट कर रहे हो ताकि वहां से ऑब्जेक्ट से चलने वाली रे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पे गिरे तो आपको कंप्लीट दिख सके। तो फील्ड ऑफ व्यू वाली बात है ये। तो आप ये चीज पॉइंट ध्यान में रखना बच्चों की, इस जगह पे मिरर भले यहां रखा हुआ है, मिरर सेकेंड क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पर फिर भी अगर अपन इससे कहेंगे तो यहां क्या कहेंगे, इसकी इमेज बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। दिखना पोजीशन पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा। तो अपन यहां पे पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ये लिख लो आप, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज डज नॉट डिपेंड, या आप लोग अपने उससे भी लिख सकते हो, मेरी इंग्लिश पे ज़्यादा भरोसा मत करना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ मिरर। इमेज का जो बनना होता है वो मिरर की साइज पे डिपेंड नहीं करता। व्यू ऑफ इमेज डिपेंड ऑन साइज ऑफ मिरर, मिरर की साइज पे डिपेंड करता है। यानी फील्ड ऑफ व्यू के लिए आपको ये देखना पड़ेगा किस चीज को, कि मिरर कहाँ रखा हुआ है और मिरर किस साइज का है, उसी की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। अच्छा चलो बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे, फिर से आते हैं फटाक से, तो देखते हैं किसका आंसर क्या आना चाहिए। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आया तो सर ने हमारे को बताया था कि भैया तुम जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना, घबराने का नहीं, मतलब आप लोग क्या करो, इसी मिरर को आगे खिसका दो, कितना एंगल बना दो, 37 डिग्री, ये तो खिसकाना है, कितना एंगल बना देंगे 37 डिग्री। अब मैंने क्या चीज बताई थी कि भैया ये है, या 37 मत लो, इसको 45 ले लो, नहीं तो कंपोनेंट नहीं कर पाओगे, इसको चेंज कर दें, इसको 45 ले लेते हैं, नहीं तो फिर मेरे को मैथ्स की कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसको 45 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। आप 37 लेके भी कर सकते हो, वहाँ 74 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये 45 हो गया। तो चलो ये 45 हो गया ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगे कि भैया 4 पे था तो 4 पे मिरर से भी 4 पे आना चाहिए, तो ये 4 पे, जितने एंगल पे था क्या ये 45 से ही आ गया, तो यानी यहाँ पे, तो इमेज के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, -4, ऑब्जेक्ट के कितने थे 4, 0, इमेज के कितने निकल के आए 0, -4, समझ रहे हो। तो इस तरीके से जैसे अगर आपको मान लो ये वाला क्वेश्चन दे दिया जाता कि अब फटाक से आंसर आना चाहिए, ये हमारे को मिरर यहाँ दे रखा है ना, और आप लोगों को दे रखा है कि ये वाला एंगल है 37, 30 डिग्री है ना, और ऑब्जेक्ट के जो कोऑर्डिनेट है वो आपको दे रखे हैं यहाँ पे, कितने दे रखे हैं ऑब्जेक्ट के, ये दे देते हैं, ये ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको 0, 4 पे। अब क्या आएगा, कुछ नहीं करना, हमें पता है कि ये है लाइन, ये हमारी प्लेन मिरर की है, ये 30 डिग्री का है, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट जो है जितना एंगल बना रहा होगा उतनी इमेज बनाएगी, यानी यहाँ पे मैं ये बना दूँ, जितनी डिस्टेंस पे होगा उतनी पे इमेज, तो ये ऑब्जेक्ट और ये क्या आ गया इमेज, ये भी एंगल कितना होगा 30 डिग्री। अब मेरा काम हो चुका है, क्या काम हो चुका है भैया, ये वर्टिकल से 60 था, यहाँ से 30 डिग्री, तो क्या लिखोगे, ये 4 था तो ये भी 4 आएगा, तो 4 का ये कंपोनेंट 4 cos 30 और ये वाला 4 sin 30 है ना। अब प्लस माइनस तो डिसाइड कर ही लोगे, यहाँ क्या आएगा -2, क्योंकि 4 cos 30 जो है वो नेगेटिव साइड में है, ठीक है, सॉरी -2√3, और साइन 30 की बात करोगे तो क्या जाएगा पॉजिटिव में, तो +2, यानी इमेज के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो -2√3, 2 आ चुके, ठीक है।
अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, मान लो हमारे से पूछ लिया जाए, इसी के अंदर अलग क्वेश्चन बना देता हूँ मैं, थोड़ा नॉर्मल जो ज़्यादातर क्या है कि आपने देखा होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर आपने एनटीएससी में ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। कौन से क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूँ मैं, आपसे बोल दिया कि इन ए वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक टाइम जो है वो कितना हो रहा है 4:30:15, चार बज के 30:15 और आपसे बोला हुआ है यहाँ पे ये एक वॉल क्लॉक बना रखी है, इधर की तरफ आपके मिरर बना रखा है, आपसे पूछा है इमेज में कितना बनेगा, क्या पूछा हुआ है इमेज में कितना बनेगा, तो क्या करेंगे। अब कुछ कहेंगे कि सर हम तो घड़ी बनाएंगे, तो बनाओ भाई घड़ी। घड़ी बनाने के लिए क्या करोगे, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, ठीक, हमारे बज रही है 4, कितनी बज रही है 4, तो 4, ठीक, 4:30 हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो छोटी वाली सुई है वो 4 से तो आगे होगी, ये 5 मान लो आपकी है ना, बड़ी वाली सुई 6 पे, ठीक, और सेकंड वाली सुई यहाँ पे, ये तो सेकंड, ये मिनट और ये आवर है ना। अब आप लोग इमेज बनाओगे तो क्या होगा, इमेज बनाने के लिए ये मिरर लगा दिया, अब कैसे बनाओगे भाई। देखो जो बना सकता है, जिसके अंदर इतना आईक्यू है, वो यहाँ पे देखो 4 के रेस्पेक्ट में इधर कौन होगा, 8 होगा कि नहीं होगा, है ना भाई। 4 के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूँ तो 4 है तो इधर 8 है, इधर 5 है तो इधर 7 है, 6 के रेस्पेक्ट में 6 ही होगा, इधर 3 है तो 9 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 10 है, और यहाँ पे 1 है तो 11 है, और यहाँ पे तो 12 है। आपने क्या बोला, 4 से सुई ज़्यादा है, 4 से सुई ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, इसकी जस्ट इमेज 4 से इधर की तरफ बन रही होगी, पहले ये देखो 4 से आगे है, इसका मतलब जितने एंगल पे होगी ये वर्टिकल से जितना एंगल होगा वही तो करोगे। अब वर्टिकल से मैंने देखा एक छोड़ के बीच वाले पे ही आ रही है, तो यहाँ पे भी एक छोड़ के बीच वाले पे ही आ रही है, ठीक, ये तो सेकंड की बना दी। मिनट की बनाऊंगा तो ये, और सेकंड की बनाऊंगा तो ये आ गई, तो ये मिनट, ये आवर, और ये क्या हो चुका है सेकंड। हमारे कितना बज रहा है देखो ध्यान से, 7:00, क्योंकि 7 और 8 के बीच में सुई आ रही है, 7:00 मिनट कितना हो रहा है 30, कितना सेकंड हो रहा है 45, ठीक है। पर इसमें सर एग्जैक्ट टाइम आ पाएगा क्या, मुश्किल है, क्या करें, एक शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक ये है कि 11:59:60 में से टाइम को माइनस कर दो, क्या करो, अब आप कहोगे तो 12 ही तो बज रही है, ये भाई ट्रिक है, 11:59:60 का मतलब ये भले ही यहाँ तुम कर दोगे, अच्छा ये एक 60 सेकंड इधर मिलते क्या हो गया 60 मिनट हो जाएगा, 60 में फिर ये मिनट इधर जाते क्या हो गया 12 बज गई, तो हम 12 में से माइनस कर दें, फिर आंसर नहीं आएगा। आंसर लाने का तरीका बता रहा हूँ, अब आप पूछोगे कारण क्या है, तो कारण सुनो, 12 ही और 6 ही एक ऐसी लाइन होती है जिनकी इमेज उन्हीं पे बनती है। आप सोचो अगर मैं सारी सुइयों को यहाँ कर दूँ तो इनकी इमेज भी कहाँ बनेगी, इन्हीं पे बनेगी। तो आप ये सोच रहे हो ना कि आपने 59 क्यों लिया, क्योंकि जस्ट पहले वाले टाइम पे भी अगर कोई सुई होगी ना यहाँ पे तो इसकी इमेज इधर आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, तो ये वर्टिकल लाइन ही हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, इसलिए अपन जस्ट पहले वाले को लेते हैं, और जस्ट पहले वाला सीनेरियो जो होता है ना वो यही होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, क्या बज रही है 4:30:15, अब जिन बच्चों को माइनस करना नहीं आता हो ना, तो एक काम करना, ऐसे पानी लेना और डूब के मर जाना। यहाँ क्या है, कुछ चलते हैं यहाँ पे, जैसे 60 में से यहाँ कितने गए, तो कितना 45, ठीक, यहाँ पे 59 में से 30 गए तो 29, और उसमें से गए तो 7। देखो तुमने इमेज बनाई, उससे एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, आपने क्या निकाला था आंसर में, एग्जैक्ट में क्या निकाला था,
7:30:45 आंसर क्या आया 7:29:45। बिल्कुल सही है यहाँ पे ये वाला आंसर। क्यों सही है, कारण बताता हूं। जब आपकी इमेज बनेगी आप ये सोचो, जब ये 15 सेकंड आगे हो चुका है तो ये सुई थोड़ा आगे हो चुकी होगी मिनट वाली। जैसे आप मुझे बताओ, जैसे आपने ये डिसाइड किया था ना कि 4:30 था, तो आपने डिसाइड किया था 4 और 5 के बीच में कहीं सुई रही होगी। वैसे ही जब यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं और 15 सेकंड हो रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी सी मिनट की सुई आगे खिसक चुकी होगी ना, किधर, यहाँ पे। वो कितना खिसकी होगी, तो वो इधर की तरफ आ जाएगा। अब इधर की तरफ आ गया तो वो कौन सा मिनट हुआ, जस्ट पहले वाला 29 ही हुआ ना। तो हम इमेज फॉर्मेशन से एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे, पर इससे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकलेगा। तो अपने को क्या करना है, 11:59:60 में से जो घड़ी का टाइम है उसको माइनस कर दोगे तो आपके एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप टाइप बना के लिखो या कैसे भी लिखो, ये ट्रिक थी जो मैंने आप लोगों को बता दी, आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। चलो आगे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो बहुत बढ़िया है, नेक्स्ट टाइप में आप हेडिंग भी डाल सकते हो बच्चों, रोटेशन ऑफ मिरर। क्या, रोटेशन ऑफ मिरर। नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो है रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। जैसे ही रोटेशन का नाम आता है तो वैसे ही यादों के तो चक्कर आने लग जाएंगे कि यार ये रोटेशन कुछ नहीं। अब अपन प्लेन मिरर को घुमाएंगे उससे क्या होगा, देखो आपको एक चीज बताता हूं। मान लो ये हमारा प्लेन मिरर है और ये उसका क्या हो गया नॉर्मल, और ये हो गया हमारे आई इंसिडेंट एंगल, और ये हो गया हमारे रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल इंसिडेंस का, यही आई होगा आप जानते ही हो, और ये हमारा क्या हो चुका है नॉर्मल। अब मैंने क्या करा, मैंने ये किया है बच्चों कि मैं मिरर को घुमाना स्टार्ट करता हूँ, मिरर रोटेटेड बाय एंगल थीटा कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स। क्या किया है हमने कि हम अब मिरर को रोटेट कर रहे हैं ये रखते हुए कि इंसिडेंट रे जो है वो वहाँ के वहीं बनी हुई है। मतलब कैसे, समझना, ध्यान से समझोगे तो चीज़ें अपने आप क्लियर होगी। मैं अच्छा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा। ये हमारी स्टार्टिंग वाली लाइन थी, ठीक है, और ये हमारा क्या था, स्टार्टिंग वाला नॉर्मल था। मैं जो स्टार्टिंग कंडीशन है ना उसको वाइट चौक से बना रहा हूँ और इसके बाद वाला उनको कलर चेंज कर दूंगा, है ना। तो इनिशियल कंडीशन तो ये है। अब क्या हुआ, जैसे ये वाला है, आपने मिरर को रोटेट कर दिया ऐसे, ये मिरर हो गया हमारा, ठीक है। पहले वाली कंडीशन में ये इंसिडेंट रे से आ रही थी। अब आप सोचोगे ऊपर तो ज्यादा एंगल पे थी, थोड़ा एडजस्ट कर लो, डायग्राम बनाना है अपने को। तो यहां पे देखो, यहां पे ये एंगल आई ही ले रहा हूं मैं, और ये एंगल भी आई हो गया। अब मुझे बताओ, हमने मिरर को रोटेट कर दिया थीटा एंगल से, मिरर को कितने से रोटेट कर दिया, थीटा से, ठीक है, थीटा से रोटेट कर दिया, किसको फिक्स रखते हुए, जो हमारा इंसिडेंट रे है उसको फिक्स रखते हैं। तो अब मुझे बताओ,
अगर आपने थीटा से रोटेट किया है तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट हो चुका होगा, तो नॉर्मल मतलब ये नया वाला जो नॉर्मल है ना वो यहाँ आ चुका है। यहाँ लिख लेता हूँ नया वाला नॉर्मल, ठीक है, नया वाला जो नॉर्मल है वो भी रोटेट हो गया। कितने एंगल से रोटेट हुआ? थीटा से, क्योंकि मिरर जितने से रोटेट होगा उतने से नॉर्मल होगा। सही बात है या नहीं है? अब मुझे बताओ इंसिडेंट रे तो वही है, कितने है? इंसिडेंट रे तो वही है या नहीं है? तो इंसिडेंट रे अगर वही है तो ध्यान से देखो मैं यहां पे क्या चीज करने वाला हूं, क्या नए वाले से एंगल जो है आई माइनस थीटा है क्या? नए वाले से जो ये क्या लिखूंगा मैं, इंसिडेंट रे का, इंसिडेंट रे का नए नॉर्मल से एंगल, नॉर्मल से एंगल, ठीक है, आई माइनस थीटा। तो अपने को एक चीज पता है, अगर आई माइनस थीटा से अगर रे आई है, इंसिडेंट रे तो वही है ना, तो फिर वहां पे क्या होगा, ऐसे ही कहीं पे जाएगी आई माइनस थीटा से, तो यहां पे कितनी हो जाएगी, ये आ गई भैया ऐसे चली गई। तो मैं ये क्या लिखूंगा, ये है हमारी नई रिफ्लेक्टेड रे, विजिबल है नई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये ब्लू कलर जो दिख रहा है। अब मेरा काम है, मेरा काम ये है बच्चों कि मेरे से पूछा जाए कि भाई रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमी, क्या पूछा जाए, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कितने एंगल से घूमी है वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तरीका हमारा क्या होगा, ध्यान से देखें। आप ये समझ लो कि हमारा काम जो है वो, अब देखो मैं आपको रिफ्लेक्टेड रे का एंगल घुमाने का बताता हूँ। किसी एक से तो रेफरेंस नापोगे, तो मुझे एक चीज बताओ क्या लिखोगे, नई रिफ्लेक्टेड रे का नए न्यू नॉर्मल से एंगल, क्या लिखोगे, नया वाला नॉर्मल ये है, नया वाला नॉर्मल ये है, तो इससे आई माइनस थीटा पे आई थी तो आई माइनस थीटा पे ही जाएगी, है या नहीं, तो क्या आएगा, आई माइनस थीटा, कितना आएगा, आई माइनस थीटा, सही है। अच्छा पुरानी वाली का कितना है, एंगल ऑफ, इंग्लिश में लिख दो नहीं तो तुम कहोगे मास्टर हिंदी में आ गया पूरे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी, ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम न्यू नॉर्मल, कि नए वाले नॉर्मल से उसका कितना एंगल था। तो देखो ये पहले वाला नॉर्मल था, ये नया वाला नॉर्मल है, कितना एंगल था, ये देखो थीटा पूरा और ये आई, क्या लिखोगे, आई प्लस थीटा होगा। तो मुझे बताओ ये वाला था पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे, अब यहां पहुंच चुकी है रिफ्लेक्टेड रे, क्या करूं, एंगल निकालना है मुझे, क्या करना चाहिए, तो अपन यही तो करेंगे कि जब आप यहां पे देखोगे तो एंगल रोटेटेड, एंगल रोटेटेड, तो यहां क्या जाएगा, आप देखो क्लॉकवाइज है, वैसे तो अपन फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल, पर अपन क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो यहां पे क्या लगा लो, माइनस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे ना, तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से माइनस ऑफ, फाइनल एंगल कितना था, आई माइनस थीटा, और इनिशियल एंगल कितना था, आई प्लस थीटा, कितना आया, माइनस ऑफ आई माइनस थीटा, माइनस आई माइनस थीटा, ये देखा आई से आई कैंसिल, तो आंसर कितना आया, टू थीटा। यानी मेरे को क्या चीज पता लगी, इफ मिरर इज रोटेटेड, इफ मिरर रोटेटेड बाय थीटा एंगल, देन इमेज या रिफ्लेक्टेड रे
रोटेट बाय 2 थीटा, मतलब आप ऐसे समझ लो कि मिरर थीटा, तो इमेज 2 थीटा, या यूं कह सकते हो रिफ्लेक्टेड 2 थीटा, यानी अगर मैं कहूँ ये ओमेगा से घुमा रहे हैं तो यहाँ पे 2 ओमेगा और ये भी 2 ओमेगा। भाई जितने एंगल से आप घुमाओगे उसी से सारी चीज़ होगी। यहाँ तक क्लियर है? ओमेगा और इससे, चलो अब इसी पे बेस्ड मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आप लोगों की चीज़ें क्लियर होगी। चीज़ें कैसे क्लियर होगी? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, पहले बता रहा हूँ। कहाँ तक विजिबल है मैं ये देख लो, क्या इसमें करा पाऊँगा क्या? मैं आप लोगों की ये रब कर रहा हूँ बच्चों, ताकि उस क्वेश्चन को अच्छे से बता सकूँ। ये आप लोग लिख लेना वीडियो को पॉज करके कि इस तरीके से ये रोटेट होगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, वो इतना अच्छा क्वेश्चन है कि अगर ऑन द एग्जामिनेशन कभी मिल गया तो मैं खुद गारंटी ले रहा हूँ 100 में से 95 बच्चे जो है ना वो गलत करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्ट कहीं ना कहीं तो गलतियाँ करवाता है। इसलिए उस वाले एग्जाम्पल को जितना स्टार लगा सको लगा लेना। देखो क्या है, क्या है कि एक सेटअप हमने बनाया। कैसा सेटअप? कि ये हमारा हो गया प्लेन मिरर और ये हो गई हमारी वॉल। क्या है ये? वॉल, दीवार, ठीक है। और यहां पे इंसिडेंट हो रही है हमारे एक आई एंगल पे, आई एंगल नहीं दे रखा आप ये मान लेना है ना। यहां पे लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है, ठीक, और इधर की तरफ गई और यहां बन रहा है स्पॉट। देखो अब क्वेश्चन स्पॉट बन गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं अलग चीजें हो रही है। क्वेश्चन ने ये कहा है ये डी है ना, और आपको ये बोला हुआ है कि हाँ, आपसे क्या बोला हुआ है कि ये एंगल जो है वो थीटा है। आपसे क्या कहा है कि इफ प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी देन वेलोसिटी ऑफ स्पॉट सपोर्ट। जो आपसे पूछी हुई है वो किसकी पूछी हुई है? स्पॉट की। क्या होगा ध्यान से थोड़ा समझना, मिरर को यूं घुमा रहे हैं, देखो ऐसे घूम रहा है ये, तो क्या होगा? ये स्पॉट है, जैसे यूं घूमा यूं देखना इसको, ये 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 ऐसे घूमना स्टार्ट हुआ, स्पॉट किधर आया? नीचे आया, आया। अगर ये नीचे आएगा फिर ये आएगा, मान लो वॉल जहाँ तक होगी, ठीक है, ये किसी वॉल के किसी पर्टिकुलर पार्ट को कवर कर रहा होगा। ये मिरर ऐसा था, देखो यूं था, यूं घूमा घूमा ये स्पॉट को नीचे लाया, अब क्या पता रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा हो, फिर जब ये घूम के यूं आ जाएगा अभी भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, फिर वापस इसी कंडीशन में आएगा तो फिर वापस से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्पॉट ऐसे जाएगा यूं फिर गायब हो गया, फिर ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो जब ये स्पॉट कंटिन्यूसली चल रहा है तो उसने अपने से पूछा हुआ है क्या कि वेलोसिटी बताओ। तो अब इसके दो तरीके सिखा रहा हूँ, एक तरीका जिसको समझ में नहीं आए दूसरे तरीके का इस्तेमाल कर सकता है किसी का भी, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका क्या है? सॉल्व करने का तरीका यह है बच्चों कि मान लो ये हमारी स्पॉट हो गया। क्या है? ये हमारा स्पॉट, और यहां से ये लाइट आई, ये
और ये यूं आई और यूं चली गई, यही था, यही हमारा स्पॉट था। ये एंगल कितना है? थीटा। पहले तो हम उस चीज़ का यूज़ करेंगे, किसका, कि इफ़ मिरर इज़ रोटेटेड बाय एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा देन इमेज विल रोटेट विद एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 ओमेगा। क्यों? क्योंकि भाई आप मिरर को घुमा रहे हो ओमेगा से, तो ये घूमेगा कितने से, ये ध्यान में रखना। अब देखो, ये लिखा मैंने डी है और ये लिखा मैंने वाई है, मान लो। तो मेरे हिसाब से क्या है, वेलोसिटी का मतलब है चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है कि नहीं भाई? स्पॉट अगर नीचे मूव करेगा, कंटिन्यूसली इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, तो जब स्पॉट नीचे मूव करेगा तो वाई में चेंज ही तो हुआ। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मुझे इस एंगल यहाँ से ये दिख रहा है क्या, फ्रॉम ट्राइंगल की मैं बात करूँ, फ्रॉम ट्राइंगल y अपॉन d इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू d tan थीटा, y इज इक्वल टू d tan थीटा, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा अब ये बताओ dy by dt निकालना है, क्या करें? dy by dt तो क्या करोगे, सबसे पहले तो d tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे d थीटा बाई डी टी। ये d थीटा बाई डी टी क्या है बच्चों? ये है एंगल रोटेटेड बाय इमेज, ये ध्यान में रखना, यहाँ गलती मत कर देना। ये किसकी वेलोसिटी आई, अपन किसकी निकाल रहे हैं, इमेज की, स्पॉट की। इसका मतलब d थीटा बाई डी टी की जगह मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा d sec स्क्वायर थीटा इंटू टू ओमेगा, क्योंकि आपने पहले ही डिसाइड कर लिया ना। तो यहाँ क्या आंसर आया मेरा, आंसर आ गया 2 ओमेगा d sec स्क्वायर थीटा, क्या आ गया 2 ओमेगा d sec स्क्वायर थीटा, यहाँ तक क्लियर? चलो अब देखो दूसरा तरीका और बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या है भाई, देखो ये है हमारा दूसरा तरीका, कि यहाँ से ले, यहाँ पे जो लाइट है वो इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये ऐसे जा रही है और ये हमारा स्पॉट, ठीक है। मुझे बताओ होगा क्या एक्चुअल में, जब मिरर रोटेट कर रहा होगा तो यूं सर्कुलर मोशन हो रही हो, देखी यूं मिरर घूमेगा तो यहां पे इसके अबाउट ही तो घूमेगा, ही घूमेगा ना। तो अगर ये घूमेगा तो मुझे एक चीज बताओ, मैं जो तरीका बता रहा हूं सर्कुलर मोशन से ध्यान में रखेंगे सभी बच्चे, हमारे हिसाब से ओमेगा क्या होता है, वी परपेंडिकुलर अपॉन आर, बताया था ये मैंने सर्कुलर मोशन के अंदर, क्या चीज बोली थी कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी के अंदर हमेशा वही कंपोनेंट पार्टिसिपेट करता है जो क्या होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मुझे बताओ ये एंगल थीटा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी, नीचे मानी ना आपने, पहले मैंने क्या बताया था, जो भी एक्चुअल वेलोसिटी है वो उसका कंपोनेंट करना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्या बताओ ये, यही है हमारी डायरेक्शन है ना, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हुआ, थीटा हुआ, तो ये कंपोनेंट क्या आ गया, वी कॉस, सही है, क्या लिखा भाई, देखो मैंने यहां पे ये आया वी, वी का इधर कंपोनेंट वी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर भी होगा वी साइन थीटा, और मुझे कोई लेना देना नहीं है किससे, वी कॉस वी साइन थीटा से। अब बताओ दूसरी चीज में क्या बोल रहा हूं, आर भी तो पता होना चाहिए, तो आर के लिए मुझे ये पता है कि ये डी है, तो मेरे लिए ये x, तो x कैसे निकालूंगा, कि अगर मैं cos थीटा अप्लाई करता हूं ना सर, तो ये आता है d अपॉन x, तो x का आंसर क्या आ गया भाई, d अपॉन cos थीटा आया कि नहीं आया, आया, लिखो। क्या मुझे ये पता है कि इमेज की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 ओमेगा होगी, यानी 2 ओमेगा, वेलोसिटी कितनी है परपेंडिकुलर v cos थीटा, और यहाँ पे रेडियस कितनी है x, x का मतलब d अपॉन cos थीटा, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारे पास 2 ओमेगा
v cos स्क्वायर थीटा अपॉन d, मुझे v निकालना है क्या करूं, तो यहां से v का आंसर जो आया वो आ गया 2 ओमेगा d sec स्क्वायर थीटा, वही आया। तो ये दो तरीके हैं निकालने के, अब आप इन दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और मैं आप लोगों को स्पेशली जोर दे रहा था, ठीक है ना। जल्दी से देखो इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अभी अपन 10-15 मिनट और पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में एक जैसे नहीं करा रहा हूँ। अब आप देखो वो क्या करते हैं, वेरिएशन बनाने के लिए इसमें ये एंगल दे देंगे थीटा, तो उसमें फिर आंसर अपने आप चेंज हो जाएगा, वो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा उस हिसाब से, है ना। तो आप लोग अपने आप चेंज कर सकते हो, इसमें वेरिएशन वैसे ही बनेंगे, पर जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक का जो कहना है, तो नेक्स्ट टॉपिक की आप लोग हेडिंग डाल सकते हो फील्ड ऑफ व्यू। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे, मेंस के अंदर तो आ ही जाते हैं। मेंस के अंदर क्या होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन थोड़े हिला देते हैं, कैसे क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बताऊंगा। अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है फील्ड ऑफ, ये एल है ना, ऑफ व्यू, क्या है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, देखो एक चीज मैं बताता हूँ। पहले तो मैंने क्या चीज़ बताई थी कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कितनी जरूरी होती है, 2, ठीक। दूसरा फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या हो गया, मैंने एक चीज़ और अभी और बोली थी, इमेज का दिखना मिरर की साइज पे डिपेंड नहीं करता, इमेज का बनना मिरर की साइज पे डिपेंड नहीं करता। मिरर जो इमेज का बनना होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मिरर की साइज पे। जैसे मैं आपसे कहूँ मैंने कोई कांच ग्लास है उसको मैंने यूं पकड़ रखा है तो मेरा फेस दिखेगा, पर अगर मैंने उसको ऐसे कर दिया तो क्या मेरा फेस दिखेगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या, मेरे फेस की इमेज नहीं बन रही है क्या, इमेज तो बन रही है पर वो मेरे फील्ड ऑफ व्यू में लाई नहीं कर रही, तो फिर इमेज किसकी दिखेगी, ये वाले पार्ट की, जो उसके सामने होगा उसकी इमेज वहां पे हमें दिख जाएगी। तो ये समझ लो कि अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं तो क्या हमें इमेज दिखेगी क्या, रिक्वायर्ड इमेज को देखने के लिए आपको हमेशा फील्ड ऑफ व्यू पे लाई करना पड़ेगा। जैसे देखो मान लो ये एक ये एक हो गया हमारे प्लेन मिरर, और यहां पे रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट को, क्या रख दिया ऑब्जेक्ट को। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट से रे कैसे चलाते हैं, देखो मैं बताता हूं। ये चली, ये हमने बना दिया क्या नॉर्मल, रिफ्लेक्ट हो गई जितने एंगल पे जा रही थी, आगे बढ़ाया जहाँ मीट कर रही थी मिरर के पीछे ही मीट करेगी। अगर ये डिस्टेंस डी थी तो ये डिस्टेंस भी डी हो गई। अब आप सोचोगे कि सर ऊपर नीचे बन रही है तो थोड़ी बहुत एडजस्ट कर लेना अपने डायग्राम में, है ना। दूसरी रे चलाई, इसने बनाया नॉर्मल, ये उतने पे चली गई, ये जब आगे बढ़ाओगे तो यहाँ, तो ये अपना क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गई इमेज। मुझे बताओ मिरर इतना सा था, ऑब्जेक्ट कहीं और था, पर इमेज उसकी बनी, पर दिखेगी कहाँ, इस रीजन में। अगर मैंने इस रीजन में अपनी आंखों को रखा, क्या करा, अगर मैंने इस रीजन में अपनी आंखों को रखा तो मुझे ये इमेज विजिबल होगी, अदरवाइज विजिबल नहीं होगी। यानी ये समझ लेना वो रीजन जिसके अंदर आपने अपनी आंखों को रखा और इमेज दिख रही है वही रीजन क्या कहलाता है, फील्ड ऑफ व्यू, है ना। बाकी का अगर मेरे से पूछे यहां पे मैं आंखें गड़ा के बैठा हुआ तो कुछ दिखेगी क्या, कुछ नहीं दिखने वाला, है ना। और इसमें क्या होता है फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अपने से पूछा जाता है कि कब तक इमेज दिखेगी, कब तक इमेज दिखेगी। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये हमारा क्या हो गया फील्ड ऑफ व्यू, मतलब जहां पे आप अपनी आंखों को गड़ा के रखो
तो इसकी डेफिनेशन भी आप कह सकते हो, द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इन विच इमेज इज विजिबल दैट रीजन इज कॉल्ड एज फील्ड ऑफ व्यू. क्या कहलाता है? फील्ड ऑफ व्यू. ठीक है, अब इस पे मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं. क्या चीज? देखो, मान लो आप एक पर्सन है जो एच हाइट का है. क्या है? पर्सन है. इस टाइप के क्वेश्चन में रे डायग्राम बनाना बहुत अच्छे से सीख लेना. अगर नहीं सीखे ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा इसका, ये मेरी गारंटी है. इसलिए रे डायग्राम ढंग से समझना. एक पर्सन है, ठीक है, जो एच हाइट का है. मान लो ये अपना हीरो है, ठीक, मिरर के सामने खड़ा है. किस लिए? तैयार होने के लिए, ऑब्वियस. ये है हमारा प्लेन मिरर जो इसके लिए लगाया गया है कि देखो तुम अपना थोड़ा पूरा इसमें देख सकते हो. तो लगा दिया, ठीक. आपसे पूछा हुआ है कि प्रोड्यूसर ने कहा भाई कितना मिरर लेके आए कि अपना ये जो हीरो है पूरा अपना फोटो उसके अंदर देख ले. तो आपसे पूछा हुआ है मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल साइज इमेज ऑफ हीरो. हमें क्या चाहिए कि हम ये चाहते हैं कि मिरर के अंदर पूरी साइज की इमेज किसकी दिख जाए? हीरो की. अब कौन देखने वाला है पहले तो ये ध्यान. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इमेज, पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज को देखना. देखने वाला कौन है? यही है, कोई और तो है नहीं. अगर कोई और होगा तो वो हमारा देखो ऑब्जेक्टिव और रेफरेंस दोनों अलग अलग चीज है. ऑब्जेक्टिव तो क्या है? ये अपनी इमेज पूरी देखना चाहता है ना, मतलब सॉरी इसकी इमेज को देखना. रेफरेंस कौन है? इसी की आईज. तो हमेशा ध्यान में रखना रे चलेगी कहां से? जहां से आपका ऑब्जेक्ट होगा. और किधर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी? जो आपका रेफरेंस होगा उसकी आंखों की तरफ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए. मतलब ध्यान से समझो, अगर मैं यहां से कहूं इसकी पांव से रे चलाऊंगा, कहां से चलाऊंगा? पांव से, ठीक. क्योंकि फुल साइज के लिए मेरे को पूरे पांव के इमेज भी अगर दिखेगी तभी तो ही वो हुआ ना फुल साइज इमेज. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ये चीज लिख लेना. ऑब्जेक्टिव तो हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव इमेज फुल साइज है ना. और अगर रेफरेंस की बात करूं तो रेफरेंस क्या है? रेफरेंस क्या है कि हीरो की आंखें, हीरो की आंखें, ठीक है ना. तो ये हीरो की आंखें हैं जो हमारे रेफरेंस है. अब क्या करूंगा मैं? देखो मेरा पहला काम, दो रे चाहती है, बिना दो रे के हमारे काम नहीं होगा, ठीक. तो पहली रे चलाई मैंने कहां से? इसके पांवों से, ठीक. कहां रिफ्लेक्ट होनी चाहिए? आंखों पे. तो आंखों पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए तो इसकी आंखें कहीं ना कहीं यहां लाई करती होगी, इसके सिर से थोड़े नीचे. अगर उसने देखो ये बोला है कि आप इस वाली लेंथ को नेग्लेजिबल लो तो कोई दिक्कत ही नहीं है. और अगर वो उसमें सेंटीमीटर में काउंट कराते हैं कि उसकी लेंथ है 110 सेंटीमीटर, उसका जो सिर है 10 सेंटीमीटर का लंबा है, आंखें इतनी है, चौड़ाई इतनी है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें अगर वो बोल देते हैं तो फिर आपको वहाँ कंसीडर करना पड़ेगा. वो बेवकूफ़ी वाली चीज़ है, उसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है ना. अभी देखो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, ये नॉर्मल है ना. अब मुझे बताओ
ये वाली रिफ्लेक्टेड रे को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो क्या दिखेंगे, ये दिखेंगे, ये भूत एपियर होगा इसका इधर की तरफ। पांव आ गए ना इसके, ये देखो ये जो पांव थे वो अलग कलर में किसके लिए बनाए मैंने, इमेज के लिए बना दिए। ठीक, एक रे से नहीं चलेगा काम, किससे चाहता है, दो रे से। तो देखो मैं ना बहुत सीधा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, एक रे चलाओ आप, दूसरी वाली कौन सी है, क्या सिर भी तो दिखना चाहिए, तो सिर दिखे तो क्या करें, सिर से मैंने इमेज। अब देखो अगर ये नेग्लेजिबल ले रखा है तो नॉर्मल इंसिडेंस करा दो, अगर उसने ये लेंथ नेग्लेजिबल दे रखी तो आंखों से ही रे चलाओ तो नॉर्मल इंसिडेंट हो गया, तो ये क्या होगा, इधर चली जाएगी। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ध्यान से देखो क्या हुआ, ये 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 इसकी सिर यहां आ चुका है और ये सॉरी हाथ इसके नीचे नहीं आने चाहिए, गर्दन से ही कनेक्ट होने चाहिए, तो ये वाला बड़ा है देखो और ये वाला छोटा है, ये बनाया मैंने। ठीक, तो मेरे लिए रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मिरर कौन सी है, ये वाली। इसका क्या कोई काम नहीं है, क्यों, क्योंकि पांव से चली पहली रे, अगर आप यहाँ तक का मिरर तोड़ भी दोगे ना तो कोई भी वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ क्या मैं ये वाई मान लूं, ठीक, जितनी डिस्टेंस पे होगा, मान लो डी डिस्टेंस पे है तो क्या ये भी डी डिस्टेंस पे आएगी, क्योंकि ये तो हमारे को सर ने बताया था प्लेन मिरर के अंदर तो यही होता है। अब मुझे बताओ कैसे, देखो ये 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 और ये ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो ट्रायंगल सिमिलर करेंगे तो कैसे, देखो बेस वाई, यहां पे परपेंडिकुलर डी, इसका बेस एच, परपेंडिकुलर 2D, क्या D से D कैंसिल, Y की वैल्यू क्या आ गई H by 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे कह सकते हो टू सी फुल साइज इमेज ऑफ H height object लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड कितना H/2 एंड मस्ट बी प्लेस्ड H/2 अबव ग्राउंड और फीट लेवल। समझ में आया, H/2 का लिया होगे तो उससे फुल साइज इमेज नहीं दिखेगी, H/2 का तो रिक्वायर्ड है पर उसको रखना भी कहां पड़ेगा, यहां पे। क्यों, अब आप क्यों कहोगे, देखो क्या आंसर हमारा H/2 आया, टोटल लेंथ ये हमारी H है तो ये भी H/2 हुई, तो देखो टोटल लेंथ अगर H है, लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड H/2 है तो ग्राउंड से भी इसको कितना रखना पड़ेगा H/2 रखना पड़ेगा। इसलिए ही तुमने देखा होगा कि वो जो अलमेरा वगैरह होती है उसमें जो ग्लास लगे रहते हैं ना वो बिल्कुल नीचे से नहीं लगाते, वो इतनी बेवकूफ़ी नहीं करते हैं कि जैसे मान लो कोई अलमेरा वगैरह पे उसमें ग्लास लगा रखा है या देखो, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो ग्राउंड से किसी लेवल पे ऊपर रखते हैं उसको, वो रीज़न किस लिए, ताकि अगर आप पूरा अगर पीछे की तरफ हो जाओगे तो आप आपकी फुल साइज इमेज को देख सकते हो। ठीक है, अब अपन इसके कल वाले जो लेक्चर है उसके अंदर देखेंगे इमेज फॉर्मेशन का और नंबर ऑफ इमेजेस, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि प्लेन मिरर वाला पार्ट आपके फिनिश हो जाए। ठीक है।